जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मोर कार्स। कैसे हो आप सब भाई, आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कार की जो फोर्ड की तरफ से ओन होती है। भले ही फोर्ड कंपनी इंडिया को अलविदा कह चुकी है, बट फोर्ड कंपनी का दबदबा हमेशा ही बरकरार रहेगा और उसी में बहुत सारी कारें आती है, बहुत ब्रांडेड कारें आती है। और आज हम बात करने वाले टू सीटर कार की जो फोर्ड मस्टैंग है, और वो भी बीजी मोटरलैंड की तरफ से। सो बीजी मोटरलैंड का शोरूम सब ब्रांडेड कार रखती है बीजी मोटरलैंड, और वहां से ही हम लेके आए आपके लिए फोर्ड मस्टैंग। आपको सूरत में ओनली फॉर एक ही पीस मिलेगा, वो भी बीजी मोटरलैंड के पास है। और आप देख सकते हो फोर्ड मस्टैंग को, और कार का फ्रंट लुक देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। और ये कार में V8 यानी कि 8 सिलेंडर 5000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 400 एचपी का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और कार की टॉप स्पीड की बात करें, जो 260 किलोमीटर पर हार की टॉप स्पीड मिलती है, और कार 4.4 सेकंड में ही 0-100 की स्पीड आसानी से अचीव कर लेती है, यानी कि 100 की स्पीड ओनली 4 सेकंड में अचीव कर लेती है। और कार पूरी एरोडायनेमिक बनाई गई है, और भले ही कार फोर सीटर है, बट कार को आप फुली मतलब लग्जरियस तरीके से और अपने ऐसे शौक पूरे करने के लिए कार को खरीद सकते हो। तो कार क्या ही बताओ कार के बारे में, यहाँ पे सब एरोडायनेमिक तरीके से सब था। यहाँ पे स्लिपरी एलिमेंट का यूज़ किया गया है, और बोनेट देखो के तो फुल्ली मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। और हेडलाइट की कंडीशन और फॉग लैंप की कंडीशन भी एकदम परफेक्ट है। 2017 का मॉडल है, मतलब कि ये कार को भी 5 साल ही हुए हैं। और आप देख सकते हो कार फुली ग्रे कलर में और डार्क ग्रे कलर है। और कार के व्हील देखोगे जो 19 इंच के है, और कार के व्हील की कंडीशन भी पूरी परफेक्ट तरीके से दी गई है। और यहाँ पे 5 लीटर यानी कि 5000 सीसी का इंजन मिलता है, उसकी 5.0 की बेजिंग भी दी गई है, और ORVM जो परफेक्ट तरीके से दिए गए हैं। और यहाँ पे मस्टैंग का भी लोगो मिल जाता है, जो हॉर्स आता है मस्टैंग में उसी का लोगो आपको व्हील पे भी मिल जाता है। और रियर से कार फुल्ली मतलब एरोडायनेमिक लगती है, कहते हैं ना कि ये कार कूपे शेप में बनाई गई है, और इसी की वजह से सब यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटी ये कार को परचेस करना पसंद करते हैं। भले ही टू सीटर कार है, पर रियर कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप पीछे का आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो फुल्ली कूपे शेप में दी गई है कार को, और स्पॉइलर का भी यूज़ किया गया है, जो कि फुल्ली स्लिपरी है और कार को 100 की स्पीड आसानी से अचीव करवा सकता है। और यहाँ पे आप जो एग्जॉस्ट देख सकते हो, यहाँ पे एक लगा हुआ है और यहाँ पे एक लगा हुआ है। और मैं और एक बार बोल देता हूँ, सूरत में ओनली एक ही कार है जो बीजी मोटरलैंड के पास मिलेगी आपको। एक बार साइड से आप देख लो कि कितनी बढ़िया तरीके से कार लग रही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो बहुत कम दिया गया है, बट कार बहुत बेस्ट है। व्हील की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और व्हील की कंडीशन भी बहुत परफेक्ट है। और अभी हम एक बार अंदर बैठ के देखते हैं, और कार का डोर देखोगे जो 17 डिग्री तक कार का डोर खुलता है। और यहाँ पे एसी के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है, जिससे आपको गर्मी ना हो ज़्यादा कार में। और डोर की लेंथ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक विंडो मिरर सीट का यहाँ पे ही ऑप्शन मिल जाता है, नॉट मतलब सेंटर में नहीं मिलता है। यहाँ पे स्पीकर जो परफेक्ट तरीके से बजते हैं। और कार को एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं, और आप देख सकते हो कार का एग्जॉस्ट लगा है, इसलिए कार का साउंड फुल्ली चेंज हो चुका है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप साउंड सुन सकते हो कार का। और कार का आप साउंड सुन के आपको लगा होगा कि ये कार को तो मुझे परचेस करनी है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी परचेस करके रहूंगा ये कार को। और बात बोल दो कि ये ऑटोमेटिक है, और इसमें पेडल शिफ्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सब कंडीशन फुल्ली, इंटीरियर और एक्सटीरियर फुल्ली कंडीशन परफेक्ट है कार की, और क्या ही बताओ। ये यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट, हेडरूम, नीरूम काफी ज्यादा है, और पैसेंजर सीट यानी कि पीछे के बंदे जो ज्यादा हाइट वाले होते हैं, उन लोगों के लिए ये कार नहीं है। यहाँ पे एक बार मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ आपको। सो मेरी हाइट 5.9 की है, और मैं आसानी से बैठ सकता हूँ, बट ये एक सीट को फोर्टेबल करके। यहाँ पे भी हेडरूम ज्यादा दिया गया है, बट नीरूम आपको कम मिलता है, और आप आसानी से भी कम्फर्ट से बैठ सकते हो। क्या ही बताऊँ, यहाँ पे भी सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है मस्टैंग में। निकलने के लिए थोड़ा आपको दर्द लेना पड़ेगा,
और ड्राइवर सीट में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। और एक बार हम को ड्राइवर सीट की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते को ड्राइवर पे जो बंदा बैठेगा उनके लिए कार कैसी है। और जो बंदा यहाँ पे को ड्राइवर पे बैठेगा उसके लिए मजा ही मजा होगा। और यहाँ पे भी ऐसी इनका ऑप्शन दिया गया है, यानी कि डोर से ही आपको ज़्यादा गर्मी ना हो, इसलिए जो ओल्ड कार्स में जैसा ऑप्शन मिलता था उसी तरीके से इसमें ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे देखो तो फुल्ली सॉफ्ट एलिमेंट का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मस्टैंग सिंस 1964, यानी कि जब से कार की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई है तब से ये बेजिंग लगता आ रहा है फोर्ड मस्टैंग में। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी एलिमेंट यूज़ किया गया है जो सिल्वर कलर का है। और एसी वेंट्स भी बहुत परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे अलग डिज़ाइन है, यहाँ पे अलग डिज़ाइन है। और यहाँ पे फुल्ली आपको सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं कार के। और ये कार को देखोगे तो फुल्ली ब्लैक कलर की दी गई है, नॉट अ ड्यूअल टोन, ओनली ब्लैक कलर है। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर मिलता है, बाकी फुल कार में आपको ब्लैक कलर का ही ऑप्शन दिया गया है। वाह भाई वाह, क्या कार है। और अब हम कार को एक बार फर्स्ट स्टार्ट करके देखते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्लस्टर डिस्प्ले आप देख सकते हो, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, फिर यहाँ पे सब गियर नॉब के सब ऑप्शन दिए गए, टेम्परेचर सेंस ऑप्शन सब ऑप्शन दिए गए, मतलब कि आपको आपको सब पता चल सके। यहाँ पे पेडल शिफ्टर का भी ऑप्शन दिया गया है। और आप स्टेयरिंग देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले जिसमें जैसे ओल्ड कार्स में आता था उसी तरीके से, ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं बट जो कार में होने चाहिए वही फीचर्स आपको दिए गए, जिससे आप ब्लूटूथ भी आसानी से कनेक्ट करके कार को के मज़े उठा सकते हो। यहाँ पे सेटिंग जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन, फ़ोन भी आप कनेक्ट करके सब चला सकते हो, वाईफाई कनेक्शन, व्हीकल कैमरा सेटिंग, मतलब कि आप सब आपको पता चल जाए कि रियर जो कैमरा दिया गया है वो पीछे का सब आपको दिखाएगा ये स्टार्ट करते ही। और यहाँ पे सब एसी वेंट्स के ऑप्शन दिए गए और मोड्स के भी ऑप्शन दिए गए। और ये गियर नॉब दिया गया है प्यारा सा। और यहाँ पे दो कप होल्डर और यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है छोटा सा। और इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिया गया है। फोर्ड पहले से ही जानी जाती है अपने फीचर्स के लिए, अपने इंजन के लिए और अपने कार्स के लुक के लिए। और उसी तरीके से कार को डिज़ाइन किया गया है जिससे फोर्ड पहले से ही जानी जाती है। यहाँ पे भी आपको स्टेयरिंग पे सब ऑप्शन मिल जाते हैं और हॉर्न, मतलब कार की कंडीशन फुल्ली परफेक्ट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है कार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कार को यहाँ पे मतलब कि बीजी मोटरलैंड का शोरूम है जो गौरवपथ रोड पे है, और वहाँ पे आके आप कार को देख सकते हो। कार की प्राइस की बात करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि 2017 मॉडल, 21,000 किलोमीटर ड्राइव हुई है कार, और थर्ड पार्टी पे मिलेगी आपको ये कार, और फुल इंश्योरेंस है कार का, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है और की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दी गई है। जैसे ही फ्रंट में आपको हॉर्स का लोगो दिखता है उसी तरीके से की पे भी हॉर्स का लोगो दिया गया है। और कार के टॉप स्पीड पर मैंने जैसे पहले बताई कि 260 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है जो 4.4 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। सो आपको मैं एक बार इसका बूट खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे GT बहुत परफेक्ट तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जिसकी कंडीशन भी फुल्ली परफेक्ट है, नया टायर ही लग रहा है। और बूट स्पेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। ये कार का GJ23 का पार्सिंग है जो आपको ओनली फॉर सूरत में ही बीजी मोटरलैंड में ही देखने को मिलेगी। सो आपको फोर्ड की कारें कैसी लगती है और फोर्ड मस्टैंग कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द मोर कार को सब्सक्राइब करें। और ये कार को आपको परचेस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और लोकेशन सब दिया गया है, वहाँ से आप कार का
सब डिटेल्स पता लगा सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।